दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नागियाज लर्निंग अड्डा पर बहुत दिनों बाद आज फिर अपन एक क्लास की बात करने वाले हैं और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे नाउन के कुछ अच्छे से क्वेश्चंस की तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ये क्वेश्चन हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो कि आपकी आने वाली एयरफोर्स परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं तो नाउन के ये सारे क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चन की अपन बात करेंगे यहाँ पर आज की इस क्लास में तो ये कौन से क्वेश्चन हैं क्या है इनसे रिलेटेड एरर्स इन तमाम बातों की बात आज अपन यहाँ पर करेंगे पेन उठा लेते हैं एक अच्छा सा पेन उठाया हमने और अब हम इन क्वेश्चंस की करेंगे यहाँ पर बात यहाँ पर पेन चलेगा नहीं थोड़ा सा बैक ही जाना पड़ेगा अपने को और अपन इसी बोर्ड पर यहीं पर इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फिर देखते हैं कि ये क्वेश्चंस क्या कहते हैं ठीक है यहां पर इतना काफी है आपको दिख रहा होगा यहां पर अपन बात करते हैं देखिए यहां पर क्वेश्चन हैं नाउन के और नाउन में पहला क्वेश्चन है द जूरी क्वेश्चन क्या है द जूरी डिवाइडेड द जूरी वर डिवाइडेड इन हीज ओपिनियन अब देखो जूरी क्या है जूरी कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन जब कोई कलेक्टिव नाउन डिवाइड होती है तो उसके साथ वर्ब कैसी आती है वर्ब प्लूरल आती है और आगे जो है ये प्रोनाउन हिज नहीं हो सकता ये प्रोनाउन क्या होगा देयर का यूज़ यहाँ पर किया जाएगा तो द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन होना चाहिए इसका अर्थ ये हुआ कि सेंटेंस के सी पार्ट में एरर है फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो समक्सीज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड तो आप सब जानते हैं कि ऑक्स का प्लूरल ऑक्सीज नहीं होता जैसे ऑक्स अगर सिंगुलर है तो इसका प्लूरल क्या होता है इसका प्लूरल होता है ऑक्सन ऑक्स का प्लूरल ऑक्सीज नहीं होता है इसलिए इस सेंटेंस के बी पार्ट में एरर है फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो डेली इज ए मेट्रोपोलिटन सिटी एक तो ये वाला क्वेश्चन दोस्तों और एक ये वाला क्वेश्चन फोर एक फाइव और एक सिक्स सिक्स और एक सेवन ये कुछ क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं आइए बात करते हैं उस कॉन्सेप्ट की कि ये कॉन्सेप्ट है क्या देखो यहाँ पर हम बात करें तो एक होता है मेट्रोपोलिस एक वर्ड होता है मेट्रोपोलिस मेट्रोपोलिस का अर्थ होता है महानगर मेट्रोपोलिस का अर्थ क्या होता है महानगर और भारत में चार महानगर हैं आपको पता है दिल्ली चेन्नई कोलकाता और मुंबई तो यहाँ पर मेट्रोपोलिस का अर्थ होता है महानगर लेकिन एक वर्ड और होता है मेट्रोपोलिटन मेट्रो Metro पोलिटन और मेट्रोपोलिटन का अर्थ होता है महानगरीय या महानगर का निवासी मेट्रोपोलिस महानगर और मेट्रोपोलिटन का अर्थ होता है महानगरीय या महानगर का निवासी तो इस हिसाब से ये कह रहा है कि दिल्ली एक तो एक ओब्लिक जो है ना ये यहाँ से हटा दीजिए ओब्लिक यहां पर है अब देखो दिल्ली इज़ ए मेट्रोपॉलिटन सिटी मेट्रोपॉलिटन का अर्थ क्या है महानगरीय अब अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे पढ़ें कि दिल्ली इज़ ए मेट्रोपॉलिटन सिटी तो इसका मतलब तो ये हुआ कि दिल्ली महानगरीय नगर है महानगरीय नगर यहाँ पर ये ये इसको हम सुपरफ्लुअस कहते हैं यानी कि अनावश्यक वर्ड महानगरी नगर नहीं होता महानगर है दिल्ली एक महानगर है महानगरीय नगर नहीं है दिल्ली क्या है महानगर है तो महानगर है तो इसका मतलब यहाँ पर वर्ड क्या होना चाहिए था मेट्रोपोलिस दिल्ली इज ए मेट्रोपोलिस दिल्ली एक महानगर है मेट्रोपोलिटन सिटी नहीं है मेट्रोपोलिस है महानगर है इसलिए यहाँ पर सेंटेंस के सी पार्ट में एरर है फिर इसी तरह दे आर मेट्रोपोलिटन्स दे आर मेट्रोपोलिटन्स वे महानगरीय हैं अर्थात वे महानगर के निवासी हैं इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है ही इज ए मेट्रोपोलिटन वह महानगर का निवासी है इस सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं है और ही लिव्स इन ए मेट्रोपोलिटन सिटी ये पहले जैसा आ गया मेट्रोपोलिटन सिटी नहीं है ही लिव्स इन ए मेट्रोपोलिस मेट्रोपोलिस मेट्रोपोलिटन सिटी के बदले यहाँ पर क्या होना चाहिए मेट्रोपोलिस मेट्रोपोलिस यहाँ पर ये इस तरह से होना चाहिए और इसी के नीचे का क्वेश्चन कौन सा है इसी के नीचे का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर यहाँ से देयर आर फोर मेट्रो पॉलिसीज़ इन इंडिया मेट्रो पॉलिसीज़ भारत में चार मेट्रो पॉलिसीज़ हैं तो मेट्रोपोलिस महानगर होता है इसको प्लूरल बना सकते हैं इसलिए सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं है अगला क्वेश्चन है माय ओन क्राइटेरियन ऑफ सक्सेस आर द एबिलिटी टू वर्क हार्ड अब क्राइटेरियन जो होता है वो सिंगुलर होता है अगर अपन इसका प्लूरल बनाना चाहें तो प्लूरल क्या होगा इसका प्लूरल होगा क्राइटेरिया क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरिया होता है फिलहाल ये क्राइटेरियन सिंगुलर है तो फिर वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए तो यहाँ पर वर्ब सिंगुलर नहीं है यहाँ पर इज होना चाहिए था आर के बदले क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्राइटेरियन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए इस हिसाब से इस सेंटेंस के बी पार्ट में एरर है फिर हम देखते हैं नवा क्वेश्चन व्हाट इज़ द क्राइटेरियन फॉर सिलेक्शन अब क्राइटेरियन सिंगुलर होता है हमें पता चल चुका ऊपर तो वर्ब कैसी होनी चाहिए सिंगुलर और यहाँ पर वर्ब सिंगुलर है इसलिए इस सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं है फिर हम पहुँचते हैं अगले क्वेश्चन पर द अर्थ क्वेक इज ए नेचुरल फिनोमेना फिनोमेना दोस्तों प्लूरल होता है जैसे क्राइटेरिया प्लूरल होता है ना वैसे ही फिनोमेना भी प्लूर, प्लूरल होता है जैसे क्राइटेरियन सिंगुलर है वैसे ही फिनोमेनन सिंगुलर होता है सिंगुलर क्या होगा फिनोमेनन फिनो मेनन फिनोमेनन सिंगुलर होता है फिनोमेना प्लूरल है इसलिए इस सेंटेंस में अर्थ इज हम इससे पता चल रहा है कि अगर यहाँ पर ये नाउन सिंगुलर होना चाहिए तो फिनोमेना तो प्लूरल है ये सिंगुलर होना चाहिए फिनोमेनन यू एंड ही आर वीमन हैटर्स यहाँ से ओब्लिक को हटाना होगा ओब्लिक यहाँ माने वीमनस हैटर्स में दोस्तों वीमन भी सिंगुलर होता है डब्ल्यू ओ एम ए एन वीमन और इसको प्लूरल बनाना है मेरे को हैटर्स वीमन हैटर्स यू एंड ही आर वीमन हैटर्स वीमन सिंगुलर होगा हेटर्स को प्लूरल करना पड़ेगा She gave me an advice. Advice से पहले preposition का यूज़ नहीं होता है इस सेंटेंस के बी पार्ट में एरर है ऊपर वाले भी सेंटेंस के बी पार्ट में एरर सी पार्ट में माना जाएगा क्योंकि ये ई ये ए और इस पार्ट को बी माने oblique यहाँ मानकर तो ये इसके सी पार्ट में एरर थी Woman haters होना चाहिए एडवाइस से पहले preposition नहीं आना चाहिए और यू हैव गिवन मी ए गुड information. Information से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जा सकता इस सेंटेंस के बी पार्ट में एरर है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हम पहुंचते हैं फोर्टीन पर ही इज ईटिंग ए ब्रेड ब्रेड से पहले भी दोस्तों आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता तो यहाँ पर होगा ही इज ईटिंग ब्रेड दे लूटेड देयर ज्वेलरीज और आपको अच्छी तरह पता है कि ज्वेलरी का भी प्लूरल नहीं बनता ज्वेलरी ही रहता है ज्वेलरीज नहीं होता He gave me bits of information. Information का plural informations तो नहीं हो सकता बट बिट्स ऑफ information हम लिख सकते हैं information को plural को बन इन्फॉर्मेशन को प्लूरल बनाने के लिए इसलिए इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है फिर हम अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं आई गेव हिम एन आइटम ऑफ फर्नीचर फर्नीचर से पहले भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं किया जा सकता और ना ही फर्नीचर को प्लूरल बनाया जा सकता है इसलिए इस सेंटेंस के बी पार्ट में एरर है I sent हिम क्रोकरीज क्रोकरी का भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता क्रोकरी क्रोकरी ही रहता है क्रोकरीज नहीं हो सकता इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते तो इसके भी सी पार्ट में एरर है तो दोस्तों मैं आपके जो 17 अप्रैल से एग्जाम होने जा रही है एयरफोर्स की उसके लिए आपको 1000 क्वेश्चन यहाँ पर मैं कराऊँगा और आज से पक्का प्रोमिस है आपके साथ और टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे हम सब जो वॉकेब के भी क्वेश्चन होंगे और आपके ग्रामर के भी क्वेश्चन होंगे आज के जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं ये टॉपिक है हमारा नाउन इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और अगर इन सब हालांकि आपके पास ये वीडियो है आप वीडियो से देखकर इन क्वेश्चंस को लिख ही रहे हैं फिर भी इन इस किस इस सभी नोट्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी ठीक है बाकी आप यहां से नोटबुक से नोट कर सकते हैं या इतना समय नहीं है नोट करने का तो सीधा वीडियो से समझ सकते हैं अगर आप इसकी पी चाहते हैं तो आपको पी भी प्रोवाइड करा दी जाएगी तो ये अट्ठारह क्वेश्चन के बाद हम बढ़ते हैं आगे आगे क्वेश्चन है दोस्तों ये आगे क्वेश्चन है ये कि अच्छा ये तो हो गया ये हो गया अब अपन पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर और क्वेश्चन नंबर 19 में अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ना यहाँ तक अब देखिए क्वेश्चन है आई सेंट हिम आई सेंट हिम आई सेंट हिम पीसीज ऑफ क्रॉकरीज हाँ पीसीज हो सकता है बट क्रोकरी को फिर प्लुरल नहीं बना सकते हम क्रोकरी का क्रोकरी ही रहता है ही मी चॉकलेट्स चॉकलेट को भी दोस्तों प्लूरल नहीं बना सकते पीसीज ऑफ चॉकलेट्स हो सकता है बार चॉकलेट uh, हो सकता है बार ऑफ चॉकलेट्स हो सकता है बार्स ऑफ चॉकलेट बट चॉकलेट को हम प्लूरल नहीं बना सकते तो यहाँ पर सी पार्ट में एरर है द पीपल्स ऑफ इंडिया आर लेबोरियस पीपल्स ऑफ इंडिया नहीं होगा पीपल ऑफ़ इंडिया आर लेबोरियस होगा दे आर सो मैनी मीडियम्स इन इंडिया यहाँ पर मीडियम्स आप सोच रहे ना गलत है ये बिल्कुल सही है क्योंकि मीडियम्स जो होता है एक होता है मीडियम और मीडियम का अर्थ होता है माध्यम और इसका अगर प्लूरल बनाना है तो क्या बनता है मीडिया ये तो आपने पढ़ा हुआ है लेकिन आपने शायद ये नहीं पढ़ा कि एक मीडियम्स भी होता है मीडियम्स यानी कि ये वाला और इसका अर्थ होता है माइंड रीडर इसका अर्थ क्या होता है इसका अर्थ होता है माइंड रीडर तो यहाँ पर यह कह रहा है कि देयर आर सो मैनी मीडियम्स इन इंडिया भारत में बहुत सारे माइंड रीडर्स हैं तो इसलिए मीडियम को यहाँ पर मीडियम्स इस तरह से प्लूरल बना सकते हैं इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है अगर मीडियम का अर्थ संचार का कोई साधन है तब आप इसको इस तरह से प्लूरल बनाते हैं जैसे अगला क्वेश्चन देखो आई नो अबाउट दिस न्यूज़ फ्रॉम सोशल मीडिया हाँ यहाँ पर मीडियम को हम इस तरह से प्लूरल कर सकते हैं इस सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं है प्लीज़ गिव मी चाक्स चाक को प्लूरल नहीं बना सकते आप चाक लिखने वाला होता है जो ब्लैक बोर्ड पर इसको चाक ही कह सकते हैं अगर इसको प्लूरल बनाना है तो पीसीज ऑफ चाक कह सकते हैं लेकिन चाक को प्लूरल नहीं बना सकते जैसे चॉकलेट को प्लूरल नहीं बना सकते पीसीज ऑफ चॉकलेट बोल सकते हैं बार्स ऑफ चॉकलेट बोल सकते हैं बट चॉकलेट्स नहीं कह सकते इसी तरह चाक्स भी नहीं होता है ओल द न्यूज वर फॉल्स ओल द न्यूज़ ओल की वजह से यहाँ पर वर्ब प्लूरल आएगी इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स द कोर्ट हैज इश्यूड ए सम्मन टू हिम सम्मन नहीं होता है दोस्तों सम्मस होता है ये हमेशा प्लूरल के रूप में यूज़ होता है और सम्मंस होता क्या है सम्मंस होता है बुलावा पत्र या एक तरीके का नोटिस जो कोर्ट अपने जिस अपराधी की डेट होती है कोर्ट में पहुंचने की या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कोर्ट में केस चल रहा है वो समय पर नहीं पहुंचता है दी गई डेट पर नहीं पहुंचता है तो उसको जो कोर्ट एक लेटर भेजता है उसको सम्मंस कहते हैं और ये प्लूरल में यूज होता है तो इसको सम्मन नहीं लिख सकते सम्मंस होगा हाँ ये ठीक है सम्मंस हैज़ बीन इश्यूड बाय द कोर्ट इसमें कोई एरड़ नहीं है द कोर्ट हैज इशूड हिम टू सम्मंसिस यहाँ पर टू है तो ये सम्मंसिस भी हो सकता है सम्मन का प्लूरल बना सकते हैं इसलिए इस सेंटेंस में भी कोई एरड़ नहीं है वाट आर हिज पॉलिटिक्स आ, वैसे आई से अंत होने वाला कोई भी नाउन जैसे पॉलिटिक्स सिविक्स फिजिक्स इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगती है बट इससे पहले अगर कोई पजेसिव एडजेक्टिव हो जैसे माई हिज हर आर यो और देर तो फिर आप इसके साथ वर्ब प्लूरल लगाएं तो यहाँ पर ये वर्ब प्लूरल ही है इसीलिए सेंटेंस सही है अगर ये हिज़ नहीं आता इससे पहले तो फिर ये वर्ब सिंगुलर होती जैसे मान लो कि कोई सेंटेंस इसी तरह इस तरह से होता कि पॉलिटिक्स इज ए डी गेम राजनीति एक गंदा खेल है तो यहाँ पर पॉलिटिक्स के साथ वर्ब सिंगुलर आएगी बट यहाँ पर हिज आने की वजह से वर्ब प्लूरल हो जाएगी माई मैथमेटिक्स आर नॉट गुड यहाँ पर मैथमेटिक्स आई सी एस से यंत हो रहा है इससे पहले क्या आ रहा है माई तो फिर वर्ब प्लूरल होगी ये यह यहाँ पर नो एनर है अगर ये माई नहीं होता तो मैथमेटिक्स के साथ हम वर्ब सिंगुलर लगाते हैं द to ऑफ द सिचुएशन पर इकोनॉमिक्स भी आई सी से अंत होने वाला है लेकिन इसमें ऑफ टाइटल द आ रहा है तो फिर वरपुरल आएगी तो यहाँ पर भी वर्ब प्लूरल है इसलिए इस सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं है आई नीड ए राइटिंग पेपर दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि राइटिंग पेपर एक कंपाउंड नाउन है कौन सी नाउन है कंपाउंड नाउन और आपने पढ़ा होगा कि कंपाउंड नाउन होती क्या है कंपाउंड नाउन वो होती है जिसमें दो शब्द होते हैं दो शब्द होते हैं लेकिन एक अर्थ निकलता है दो शब्द हो एक अर्थ हो तो उसको कंपाउंड नाउन कहते हैं और कंपाउंड नाउन से पहले नो आर्टिकल कंपाउंड नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है इसलिए राइटिंग पेपर दो शब्द हैं एक अर्थ निकल रहा है इससे पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा और राइटिंग पेपर कंपाउंड नाउन है योर गोगल्स इज़ नॉट गुड गोगल्स के साथ वर्ब प्लूरल आती है आर होगा इज नहीं होगा इसके जैसे ही कुछ और भी क्वेश्चन हैं जैसे योर गोगल अब ये गोगल नहीं होगा वर्ब तो ठीक कर दी लेकिन इसने गगल कर दिया ये goggles होना चाहिए ये प्लूरल में यूज़ होता है गिव मी सम आम टू द गिव सम आम टू द beggar. आम नहीं होता ये आम्स होता है ए एल एम एस जिसका अर्थ होता है भीख या दान इसको भी प्लूरल में यूज़ करते हैं डोंट मिस यूज़ योर अर्निंग अर्निंग नहीं होता है दोस्तों अर्निंग्स होता है अर्निंग्स आपकी कमाई इसको अर्निंग्स में यूज करते हैं हम अर्निंग नहीं लिखते जैसे इनिंग नहीं होता क्रिकेट में पारी होती है ना उसको इनिंग नहीं बोलते उसको क्या बोलते हैं इनिंग्स वैसे अर्निंग नहीं होता अर्निंग्स होता है आई नीड फ्रेश वेजिटेबल वेजिटेबल नहीं होता ये वेजिटेबल्स होता है यहाँ पर एस लगाना है आपको आई एम गोइंग टू द पिक्चर पिक्चर नहीं होता पिक्चर तो कोई तस्वीर को कहते हैं पिक्चर कोई इमेज होती है आपको यहाँ पर क्या यूज़ करना चाहिए पिक्चर्स पिक्चर्स का अर्थ होता है फिल्म या मूवी यहाँ पर पिक्चर्स पिक्चर picture को प्लूरल वर्ड यूज़ करना चाहिए आई एम गोइंग टू द पिक्चर के बदले आई एम गोइंग टू द पिक्चर्स होना चाहिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अड़तीस क्वेश्चन हो गए अब चलते हैं थर्टी नाइन नंबर क्वेश्चन पर तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मज़ा आ रहा है या नहीं ये क्वेश्चन आपको एक हज़ार में कराऊंगा और मैंने आपसे कई बार वादे किए फिर मैं वादे नहीं निभा पाया किसी न किसी समय के अभाव की वजह से लेकिन अब आप मैं आपसे वादा निभाऊँगा अभी पेपर में समय है आज पाँच तारीख हुई है तो आपको लगभग एक हज़ार क्वेश्चन में ग्रामर के और वो केब के कराऊंगा और मैंने आपसे कहा कि अगर पहली बार तो आप वीडियो को देख के ही सारे क्वेश्चन समझ लें रजिस्टर पर लिख लें और अगर आप इसकी कॉपी चाहते हैं पी चाहते हैं तो मैंने व्हाट्सअप नंबर बताया है आपको आप वहाँ जाकर मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको ये बता दूँगा भेज दूँगा नाइन टू वन नाइन टू एट टू फोर सेवन इस पर व्हाट्सअप करके अगर आप पी मांगेंगे तो आपको पी भी मिलेगी उसका नॉर्मल सा चार्ज है जो आपको देना पड़ेगा और वो नॉर्मल सा चार्ज है नाइन्टी नाइन रुपीज़ ओके इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्टी नाइन की क्वेश्चन नंबर इसको तो हटा देते हैं आपने देख लिया होगा नहीं देखा तो आप कमेंट करके मुझे बता देंगे मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 39 सॉरी 99 नहीं हिज ऑब्सिक्यू कैन नॉट बी परफॉर्म्ड अंटिल हिज एल्डेस्ट सन अराइव्स उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता जब तक उसका बड़ा पुत्र नहीं आ जाता तो ऑब्सिक्यूज़ जो रहता है ना यहाँ पर एस भी आता है जिसका अर्थ होता है अंतिम संस्कार अंतिम संस्कार यहाँ पर ऑब्सक्यूज होना चाहिए ये सिंगुलर नहीं प्लूरल में यूज़ होता है तो इस सेंटेंस के ए पार्ट में एरर है द हिमालयाज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया तो हिमालय नहीं होता ये हिमालिया होता है और ये लाइज हो जाएगा तो इस सेंटेंस के भी ए पार्ट में एरर है क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन है द डायरेक्टर फेल्ड इन फिल्म आफ्टर फिल्म विच ही डायरेक्टर तो देखो यहाँ पर एक नाउन है फिल्म और ये दूसरी नाउन सेम ऐसी है अगर ये दोनों सेम नाउन होती हैं तो फिर और बीच में प्रीपोजिशन होता है तो ये दोनों सिंगुलर होनी चाहिए फिल्म आफ्टर फिल्म होना चाहिए जैसे आपको पता ही ये डोर टू डोर होता है डोर टू डोर इसी तरह और क्या हो सकता है फेस टू फेस फेस टू फेस भी होता है डोर टू डोर भी होता है तो यहाँ पर भी फिल्म आफ्टर फिल्म होना चाहिए फिल्म्स आफ्टर फिल्म्स नहीं होगा उसके बाद है मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर वन ऑफ़ के बाद नाउन प्रोनाउन कैसा होता है प्लूरल होता है तो टीचर नहीं होगा यहाँ पर आपको एस बी एड करना है टीचर्स हो जाएगा ही इज वन ऑफ द टोलेस्ट बॉय वन ऑफ़ के साथ नाउन प्रोनाउन प्लूरल होता है तो ये बॉय नहीं हो सकता ये क्या होगा बॉयज़ होगा गेम्स एंड स्पोर्ट्स के साथ वर्ब प्लूरल आती है तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर बॉडी एंड माइंड तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव क्या है द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस ए नंबर ऑफ के साथ नाउन प्रोनाउन क्या होता है प्लूरल होता है और वर्ब सिंगुलर होती है सॉरी नाउन प्रोनाउन प्लूरल होता है वर्ब भी प्लूरल होती है तो नाउन प्लूरल होनी चाहिए तो क्राइटेरियन तो सिंगुलर होता है क्राइटेरिया यहाँ पर क्राइटेरिया आना चाहिए नाउन प्लूरल होगी क्योंकि ए नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आती है वी शुड एन्जॉय नेचर्स ब्यूटी नेचर के साथ एपोस्टोफी इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा आई वॉन्ट वन डे लीव वन डेज लीव नहीं होगा वन डे लीव होगा मुझे एक दिन का अवकाश चाहिए दिस नीडल्स पॉइंट इज ब्लेंट यहाँ पर नीडल के साथ पोस्टोफियस का प्रयोग कर सकते हैं हालांकि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ पोस्टोफियस नहीं आता है लिविंग थिंग के साथ आता है बट किसी चीज़ की नोक या किसी चीज़ का किनारा बताने के लिए पोस्टोपियस कर सकते हैं नॉन लिविंग के साथ भी तो यहाँ नीडल्स पॉइंट हो सकता है इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है अगला क्वेश्चन है दिस इज माई फादर इन लॉ ऑफिस इस ऑब्लिक को दोस्तों यहाँ से हटाकर इधर लगाएंगे फादरस इन लॉ ऑफिस नहीं होगा ये एपोस्टोपियस किसके साथ आएगा लॉज तो के साथ तो ये सेंटेंस बनेगा दिस इज माई फादर इन लॉज ऑफिस दिस इज एवरी स्टेप सन्स प्रॉब्लम एवरी स्टेप सन इसके साथ एपोस्टोपियस नहीं आएगा ना इसको प्लूरल करना है स्टेप सन्स प्रॉब्लम सोतेले पुत्र की समस्या इस सन के साथ एपोस्टोफियस आता है स्टेप के साथ नहीं आता सारिका हैज फाउंडी एस आना चाहिए क्योंकि जो होता है, वो का की, के को बताता है सारिका हैज फाउंड बुक सारिका को किसी की पुस्तक प्राप्त हुई तो यहाँ पर सी पार्ट में संवन के साथ एपोस्टोफी एस का प्रयोग होना चाहिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है ही इज माई फ्रेंड्स संजय फादर ही इज माई फ्रेंड्स संजय नी ही इज माई फ्रेंड संजय फादर हालांकि ओब्लिक गलत है इधर भी इसको यहाँ होना चाहिए तो ही इज़ माई फ्रेंड संजय फादर जो पोस्ट एस है वो ए, फ्रेंड के साथ नहीं होगा संजय के साथ होगा जो ही स्टॉप्ड मोनो बिहेविंग लाइक दिस लाइक दिस बिहेविंग जो है वो जीरेंड है बिहेविंग क्या है जीरेंड है और जीरेंड नाउन होती है नाउन होती है तो अब इसके बाद जो है ना एडजेक्टिव होना चाहिए तो एडजेक्टिव बनाने के लिए हमें मोनू के साथ हेपोस्टोफिया इसका प्रयोग करना पड़ेगा तो जू ही स्टॉप्ड मोनूज बिहेविंग लाइक दिस इस तरह से ये सेंटेंस के बी पार्ट में एरर होगी फिर है ही अप्रिसिएटेड यू सिंगिंग यू सिंगिंग नहीं होगा योर सिंगिंग क्योंकि सिंगिंग क्या है जीरेंड है जीरेंड नाउन होती है तो उससे पहले एडजेक्टिव चाहिए और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा योर होगा और उसके बाद है आई परचेज फाइव रुपीज़ मैंगो फ़ाइव रुपीज़ ये एपोस्ट्रोफी जो है ना वो एस के बाद होना चाहिए क्योंकि अगर कोई नाउन प्लूरल है जैसे बॉयज़ हॉस्टल अगर अपने को ऐसे लिखना बॉयज़ हॉस्टल तो एपोस्ट्रोफी एस के बाद आता है प्लूरल नाउन होती है और उसके लास्ट में एस होता है तो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग एस के बाद होता है तो ये रुपीज़ के बाद होना चाहिए एपोस्ट्रॉफी ऑल दी गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ एकेडमी आर एडवाइज टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम अब ये गर्ल्स कॉमन रूम इस तरह से नहीं होगा गर्ल को प्लूरल होना चाहिए गर्ल्स फिर एपस्टोफी फिर कॉमन रूम क्योंकि एक लड़की का कॉमन रूम नहीं होता सभी लड़कियों के लिए होता है तो गर्ल्स कॉमन रूम होता है गर्ल कॉमन रूम नहीं होता है तो ऐस के बाद आप एपस्टोफी का यूज कर सकते हैं द प्रजेंट डेटाज शोज दैट द इलिटरेसी रेट इन इंडिया हैज़ फॉलन डाउन डेटा का जो डेटा होता है वो प्लूरल होता है डेटम क्या होता है डी ए टी यू एम डेटम सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल डेटा होता है और ये डेटाज कोई वर्ड नहीं होता डेटम सिंगुलर डेटा प्लूरल इसका अर्थ क्या होता है आंकड़ा इसका अर्थ होता है आंकड़े ही गेम में टू इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस तो दोस्तों आपको अच्छी तरह पता है इन्फॉर्मेशन का प्लूरल जो है वो नहीं बनता है इन्फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ही रहता है इन्फॉर्मेशन का हम प्लूरल नहीं बना सकते तो यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं फिफ्टी एट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा फिफ्टी नाइन नंबर क्वेश्चन पर कौन सा क्वेश्चन है अब फिफ्टी नाइन फिफ्टी नाइन आज मैं आपको अस्सी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन जो हैं एक ही टॉपिक के हैं और टॉपिक का नाम है नाउन कल जो हम क्वेश्चन करेंगे वो सारे क्वेश्चन होंगे प्रोनाउन के इसी तरह वर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन एडजेक्टिव एडवर्ब के क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा तो आज के ये अस्सी क्वेश्चन किसके हैं नाउन के हैं चलिए फिफ्टी क्वेश्चन देखते हैं द टीचर द क्लास टीचर गेव हिम ए होमवर्क अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था आई नीड ए राइटिंग पेपर राइटिंग पेपर कंपाउंड नाउन था इसी तरह होमवर्क भी कंपाउंड नाउन है क्योंकि इसमें दो शब्द हैं और इसका एक अर्थ निकल रहा है जब भी दो शब्दों का एक अर्थ निकले तो वो कंपाउंड नाउन है और कंपाउंड नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता द हैव्स शुड नोट्स कॉनफुली एट द हैव्स नोट हैव और हैव्स नोट का क्या फंडा है कि हैव्स होता है अमीर हैव्स किसको बोलते हैं अमीर को और एक होता है हैव नोट्स हैव नोट्स ये किसको बोलते हैं गरीब को तो हैव्स नोट नहीं होता ये एस जो है ना इसके साथ होना चाहिए हैव्स नोट हैव नोट्स होना चाहिए हैव्स तो अमीर हैं और हैव नोट्स जो होता है वो गरीब होता है तो इसने एस हैव के साथ लगा रखा है जबकि होना चाहिए नोट के साथ तो सी पार्ट में एरर है देयर आर आर थ्री डेंजरस क्रॉस रोड ये भी जो है ना कंपाउंड uh, नाउन है क्रॉस रोड इसमें प्लूरल बनाने के लिए रोड के साथ ऐसा आएगा तो थ्री हैं थ्री क्रॉस रोड हैं जैसे ये इस तरह से एक तरीके से चौराहा कहते हैं हम जैसे तो ये क्रॉस रोड इसको बोलते हैं तो रोड के साथ ऐसा आना चाहिए थ्री डेंजरस क्रॉस रोड्स द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी ओल्ड जैसे देखो दोस्तों तो मीन्स का जो है ना मीन्स अगर यातायात का को कोई साधन है तो फिर वर्ब जो है उसके साथ सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है लेकिन मीन्स का अगर अर्थ आय होता है आय इनकम तब आप इसके साथ वर्ब प्लूरल ही लगाएंगे जैसे दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज वेरी ओल्ड मीन्स दिस है तो सिंगुलर है यातायात के साधन की बात हो रही है यहाँ पर तो वर्ब सिंगुलर आएगी कोई एरर नहीं है दूसरा सेवरल मीन्स हैं सेवरल मीन्स और वो ट्रांसपोर्ट के हैं तो इसका मतलब इस साधन की बात हो रही है और सेवरल हैं, इसलिए वर्ब प्लूरल आएगी इसमें इसमें भी कोई एरर नहीं है और यहाँ पर बोल रहा है माई मीन्स आर सफिशेंट टू लिव ए पीसफुल लाइफ यहाँ पर बात किसकी हो रही है आय की और वर्ब प्लूरल होनी चाहिए है इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है अगर आपने नाउन टॉपिक पढ़ा हुआ है जब तो आपके लिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं है और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना चाहिए पहले फिर ये क्वेश्चंस देखने चाहिए द कमेटी होल्ड डिफरेंट ओपिनियंस अब कमेटी कौन सी नाउन है कलेक्टिव नाउन और कलेक्टिव नाउन जब अलग अलग ओपिनियन होती है तो वर्ब प्लूरल होती है और वर्ब प्लूरल है यहाँ पर क्योंकि वर्ब बिना एसीएस के प्लूरल होती है एस सी एस होता तो सिंगुलर होता अभी होल्ड प्लूरल है तो इस सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं है ही इज गोइंग टू हैव हीज़ हेयर स्कट हेयर स्कट नहीं होता हेयर कट होता है तो यहाँ पर सी पार्ट में एरर है फ्रूट्स आर एक्सपेंसिव दीज डेज फ्रूट्स नहीं होता है ये फ्रूट ही होता है इसको हम फ्रूट ही कहेंगे हाँ लेकिन ए मैंगो है ऑरेंज है तो ये दो अलग अलग फ्रूट हो गए तो इसलिए हम इसको फ्रूट नहीं बोलेंगे इसको हम क्या बोलेंगे फ्रूट्स बोलेंगे इसको प्लूरल लिखेंगे और फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क मेहनत का फल जो है ना इसको हम प्लूरल लिख सकते हैं इसलिए इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है वन ऑफ द गर्ल्स इज प्लेइंग हेयर वन ऑफ के साथ नाउन प्रोनाउन प्यूरल होती है वर्ब सिंगुलर होती है इसलिए इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है आई सा हिम ए विंटर्स डे अब विंटर सीजन विंटर समर ऑटम इनसे पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है विंटर से पहले भी नहीं ऑटम से पहले भी नहीं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंटी थ्री सेवेंटी थ्री क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज डिक्लेरेशन तो इसमें भी कोई एरर नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ ठीक है लेकिन किंग्स ऑफ नेपाल्स नहीं हो सकता किंग के साथ पोस्ट ऑफिस नहीं आता जैसे गवर्नमेंट के साथ नहीं आया गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ है वैसे किंग ऑफ़ नेपाल्स होना चाहिए था ठीक है इसके ए पार्ट में एरर है हि सन इन लॉज जॉब सन्स के साथ एपोस्टोफियस नहीं आएगा लो के साथ आएगा लोज के साथ ही सन सन इन लॉज जॉब इज गुड इस सेंटेंस के ए पार्ट में एरर है राम मैरिड हिज फ्रेंड्स सोहंस सिस्टर यहाँ पर एपोस्टोफियस अनावश्यक है राम मैरिड हिज फ्रेंड सोहंस सिस्टर यहाँ पर सोहन के साथ ही एस का यूज होगा फ्रेंड के साथ नहीं होगा तो बी पार्ट में एरर है लव एंड कुश आर राम्स एंड सीता सन्स अगर ये एक नाउन है ये दूसरी नाउन है और ये तीसरी नाउन है तीसरी नाउन का रिलेशन दोनों नाउन से सेम होता है तो एपोस्टोफीस का प्रयोग सेकंड वाली नाउन के साथ आता है इसके साथ नहीं होगा तो फिर यहाँ पर होगा लव एंड कुश वर राम एंड सीताज सन्स इंडियाज एंड अमेरिकाज फ्यूचर इज ब्राइट फ्यूचर अनकाउंटेबल नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वर्ब सिंगुलर आएगी नो एरर है माई हाउस इज मोर ब्यूटिफुल देन योर्स तो योर्स ही होगा ये पोस्टी का प्रयोग नहीं होगा और हर ब्यूटीज हैज फेडेड ओवर द ईयर्स ब्यूटी हैज उसकी सुंदरता साल दर साल कम होती गई है फीकी पड़ती गई है तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन थे अस्सी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये सारे नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन थे इसमें जो भी कॉन्सेप्ट लगे हैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको याद होने चाहिए इस वीडियो को एक बार दोबारा देखोगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको याद हो जाएंगे और इन सब की पी चाहिए इन एक हज़ार क्वेश्चन की पी चाहिए तो आपको मैंने व्हाट्सअप नंबर बताया है आप मैसेज कीजिए आपके पास इसकी सॉफ्ट कॉपी पहुँच जाएगी ओके तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं प्रोनाउन के साथ तब तक नमस्कार